काफ़ी दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बैक कवर के बारे में बताऊं जो पोको एक्स थ्री में हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए सारे प्रोटेक्शन और जो पोर्ट्स वगैरह कट कटआउट्स है से, वो हमें देखने को मिल जाए और हमारा फोन यहाँ पर भारी भी ना हो तो इस तरह के कुछ आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और उसके अलावा दोस्तों आप लोग स्किन की भी रिव्यू चाह रहे थे आप लोग चाह रहे थे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कोई अच्छी स्किन अपने पोको एक्स थ्री में अप्लाई करके बताऊँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक स्किन और एक बैक कवर के बारे में बताने वाला हूँ दोनों दोस्तों काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाता है चाहे स्क्रीन की बात करें चाहे बैक कवर की बात करें या फिर कैमरा लेंस प्रोटेक्टर की बात करें दोस्तों काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की हमें देखने को मिल जाता है उससे पहले दोस्तों का बात करें तो थे यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी अपने फ़ोन में एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन को यूज़ कर रहा हूँ और एक कैमरा लेंस प्रोटेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ये सब त्याग करना पड़ता है मैं मैंने जो एक्सेसरीज़ को परचेस किया था उसे मैं यहाँ पर निकाल कर बाहर फेंकने वाला और फिर ये जो आपको दो एक्सरसिरीज देखने को मिल जाता है एक रिक गेयर की तरफ से देखने को मिलता है और एक गेयर वाले डॉट कॉम तरफ से देखने को मिल जाता है तो गेयर वाले डॉट कॉम से कुछ आप परचेस करेंगे तो आप लोग एक पैम्फलेट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोगों को कुछ फ्री गिफ्ट्स वगैरह देखने को मिल जाता है तो आप लोग जब कुछ परचेस करेंगे और जो आपको पैम्फलेट देखने को मिलेगा उसे आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लेना आप लोगों को फ्री गिफ्ट वगैरह गेयर वाले डॉट कॉम से देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात करें तो जो गिर डॉट कॉम तरफ से हमें ये कवर देखने को मिलता है ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की कवर देखने को मिल जाता है और इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है और दोस्तों हम लोग कंपेयर भी करेंगे पोको एक्स थ्री के लिए मैंने एक और बैक कवर की रिव्यू मैंने कुछ दिन पहले डाला था आप लोगों की उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स या फिर मैसेज वगैरह आप लोग मुझे किए थे कि उसे यूज करने बाद हमारा फ़ोन कितना भारी हो जाता है या फिर उससे कोई हल्का वाला मैं आप लोगों को कवर की लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ तो दोस्तों फाइनली मैं यहां पर आ गया हूं आज की वीडियो में आप लोगों को इन दोनों कवर का मैं यहां पर कंपेयर भी करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा यहां पर ज़्यादा हल्का है या फिर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर तो ये कवर तो काफ़ी हल्का पे देखने को मिल जाता है कि मैं आप लोगों को वहाँ पर कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने पोको एक्सरे में यहाँ पर लगा चुका हूँ और पोको एक्सरे में जैसे हम लोग इसे लगाएंगे तो फिटिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और जो भी टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करें वो दोस्तों वहाँ पर उस पर भी ये कवर काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है और कैमरा लेंस कैमरा बम प्रोटेक्शन की दोस्तों बात कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर तो ऑलरेडी एक लेंस प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन आप लोग इस कवर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन देखने को हल्का सा मिल जाएगा इसके अलावा पोर्ट कटआउट की जो है बात कर लेते हैं वो भी इसमें आप लोग अच्छी तरीके से देखने को जाता है और दोस्तों जो एजेस वगैरह की बात करते हैं जो कॉर्नर की बात कर लेते हैं अगर उस प्रोटेक्शन की वैसे बात कर लेते हैं तो अगर आपका फोन उस एंगल से गिरता भी है तो हमारा फोन ज़्यादा यहाँ पर डैमेज नहीं होगा क्योंकि आज जो सारे कॉर्नर हमें देखने, देखने को मिलता है जो सारे एजेस देखने को मिलता है ऊपर नीचे राइट लेफ्ट वहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कटआउट आपको जो देखने को मिलता है टाइप सी की कटआउट थ्री वन फाइव एम एम जैक की कटआउट और स्पीकर के ग्रिल मेन माइक्रोफोन की बात कर लेते तो स्पीकर ग्रिल के पास और मेन माइक्रोफोन के पास दोस्तों हल्का सा मुझे यहाँ पर फिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा है हो सकता है कि मेरे वाले यूनिट में यहाँ पर थोड़ा सा कोई डैमेज प्रोडक्ट आ गया हो लेकिन फिटिंग दोस्तों इस कवर की यहाँ से जो गेर वाला डॉट कंपनी तरफ से जो मैं भी परचेज़ करता हूँ जो भी मैं प्रोडक्ट मुझे आता है या फिर रिव्यू में आता है दोस्तों तो तो वो काफ़ी परफेक्टली यहाँ पर फिटिंग होता है तो हो सकता है कि इस वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा डैमेज देखने को मिला आप लोगों को लेकिन जब आप लोग परचेज़ करेंगे तो आप लोग वहाँ पर कोई डैमेज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और दोस्तों इसे लगाने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर लुक देखने को मिल जाता है और दोस्तों मैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बैक स्किन को यूज़ कर रहा हूँ उसके ऊपर आप लोग अगर इस वाले बैक कवर का लोग यूज़ करेंगे तो आपकी लुक यहाँ पर काफ़ी नहन्स हो जाएगी इसलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर तो एक बैक कवर जो मैं पहले भी यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ इसके रिव्यू मैं दे चुका हूँ अगर मैं आप लोगों को उससे कंपेयर करके दिखा देता हूँ तो ये कवर दोस्तों तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है लेकिन इस कवर में आप लोगों को जो बैक साइड में जो आपकी जो खूबसूरती जो फ़ोन की यहाँ पर लुक एंड फील हो वो देखने को नहीं मिलता जैसा कि फोन मैं यहाँ पर ब्लू वाला को वाइट ब्लू को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक ग्रे वाला ब्रेंड भी आता है अगर आप लोग इस कवर को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को वो वाली पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा जो हमें इस, वाला को इस वाले बैक कवर में देखने को मिल रहा है लेकिन प्रोटेक्शन आप लोगों को इस वाले कवर में देखने को मिल जाता है और दोस्तों इस वाले कवर में जो भी आप मैं अपने फ़ोन से निकाल रहा हूँ इसमें आप लोगों को कैमरा की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है अगर आप लोग कैमरा लेंस को यूज़ नहीं भी करते हैं दोस्तों तो आप लोग इस कवर को यूज़ करने में अपने आपके फ़ोन में कैमरा लेंस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है बाकी दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरी वो वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना जिसमें मैंने आप लोगों को इस वाले कवर की रिव्यू दी थी अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो रिग गर की तरफ से हमें स्क्रीन देखने को मिलता है पोको एक्स के लिए और हमें यहाँ पे एक कैमरा लेंस प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है तो आप लोग चाहें तो जो स्किन देखने को मिलता है सेम स्किन की आप लोग कैमरा लेंस प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपके साथ में एक अलग सा कैमरा लेंस देखने को मिलता है आप लोग उसे भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर डिफेंट वाला यहाँ पर यूज़ करूँगा और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसे हम लोग अपने फ़ोन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो माइक्रोफाइवर क्लॉज देखने को में दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन को यहाँ पर वाइप करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ कैमालेंस प्रोटेक्टर और ये ट्रांसपेरेंट स्किन मैं उसे अपने फ़ोन से यहाँ पर निकाल देता हूँ देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैमालेंस प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा था मैं यहाँ पर निकाल दिया हूँ निकाला इसलिए हूँ दोस्तों ताकि मैं आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की वीडियो में दे सकूँ तो दोस्तों इस तरह से इस तरह की वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है काफ़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मुझे वो सारे मोटिवेशन दे देता है सारे वीडियोस बनाने की जो ताकत होती है मुझे प्रोवाइड कर देता है सो so, दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब तक ये वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफेशन बिल्कुल जरूर से दबा देना ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले देखने को मिलती रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और दोस्तों जो हमें माइक्रोफाइबर माइक्रोफाइबर क्लॉथ देखने को मिलता है उससे हम लोग अपने बैक साइड को अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लीन कर लेंगे मैं यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट वाला स्किन यहाँ पे यूज़ कर रहा था तो मेरे फ़ोन के बैक साइड में ज़्यादा आप लोगों को डस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा लेकिन अगर आप लोग नॉर्मली अपने फोन को यूज़ करते हैं तो आपके फ़ोन यहाँ पर स्क्रैच भी हो जाएगा और आपको वहाँ पर बहुत से डस्ट देखने को मिलेगा तो अच्छी तरीके से आप लोग को यहाँ पर क्लिन कर लेना है और दोस्तों मैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है कैमलेंस प्रोडक्ट है उसे मैं यूज़ करने वाला हूँ तो उससे पहले जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन को यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ जो स्क्रीन हमें देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ से अपने फ़ोन में इसे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो कैमरा वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग इसे अलाइन कर लेंगे क्योंकि दोस्तों हमें हम साइड इस वाले स्क्रीन में हमें साइड के लिए कोई देखने को नहीं मिलता सिंपली आप लोगों को बैक स्क्रीन की तरह देखने को मिलता है सिर्फ आप लोग अपने बैक स्क्रीन को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है साइड बार वगैरह वहाँ पर हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है सिंपली आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर अलाइन करके अपने उंगलियों से यहाँ पर चिपका देना है पेस्ट कर देना है आपके फ़ोन में अच्छी तरीके से वो पेस्ट हो जाएगा देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से आपके फ़ोन में पेस्ट हो जाएगा साइज़ वाले के दोस्तों बात करे थे तो काफ़ी परफेक्ट साइज आपको देखने को मिल जाता है ये स्किन हाँ लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे कमी ये लगा कि हम लोग साइड की प्रोटक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते जैसा कि हमें पोको एक्स की जब मैं वीडियो बना के आप लोग को दिखाया था तो पोको एक्स वाली जो स्किन आपको देखने को मिलता था वो दोस्तों वो हमारे फोन को चारों तरफ से चारों तरफ से वहाँ पर प्रोटेक्ट करता था अब दोस्तों हम यहाँ पर कैमरा लेंस प्रोटेक्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो जो हमें एक्स्ट्रा वाला मिलता है वही यूज़ करते हैं जो पहले से जो हमें देखने को मिला है स्क्रीन के साथ में जो मिला है उसे हम लोग बाद में यूज़ करेंगे पहले जो हमें जो डिफरेंट मिलता है डिफरेंट वाला कलर ब्लैक वाला उसे हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं यानी जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा दोस्तों हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा तो यहाँ से अब हम लोग अपने फ़ोन में इस स्क्रीन को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करें इस कैमरा बम्प हम लोग उससे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो लेंस देखने को मिल रहा है सिर्फ दो तरह की जो एक तरफ़ की जो लेंस देखने को मिल रहा है जहाँ पे दो पार्ट है दो इस दो राइट साइड में दो लेफ्ट साइड में तो किसी भी एक साइड को दोस्तों जो दो लेंस देखने को मिल रहा है सिंपली आप लोग को अलाइन कर देना है और अलाइन करते दोस्तों ऑटोमेटिक आपको जो चारों लेंसेज है यानी चारों लेंसेज वो आप कवर हो जाएगा और आपकी जो फ्लैश लाइट है वो भी वहाँ पर कवर हो जाएगा यानी अच्छे तरीके से हमारे फ़ोन में ये अलाइन हो जाएगा देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे फ़ोन में लाइन हो गया और अगर स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे फ़ोन में अप्लाई हो चुका है अगर कहीं भी आप लोगों को पेस्टिंग वगैरह ठीक से नहीं चिपका है सही से पेस्ट नहीं हुआ तो आप अप लोग अपनी उंगलियों को फिर से वहाँ पर चिपका दें और जैसा कि मैंने कहा कि साइड में देखने को नहीं मिलता सिर्फ हमें बैक साइड के लिए ही आप लोग इस स्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं तो बैक साइड के लिए आपको देखने को मिल जाता है और इस बैक साइड और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पोको एक्स टू में हमें हर तरफ से प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है तो पोको एक्स टू वाली जो स्क्रीन देखने को मिलता है वो मैंने कहीं और से परचेस किया था और आप लोगों को ये वाले कहीं और से देखने को मिल जाता है जो एक्स थ्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप लोगों को रिक गेट इन से मिल जाता है और पोको एक्स टू में मैं कहीं और से परचेस किया था तो पोको एक्स टू वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप लोग उस वाले वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना अब दोस्तों हम लोग इसी फोन में जो रिक गेट वाली स्क्रीन देखने को मिलता है उसी के ऊपर मैं यहाँ पर बैक कवर को यूज़ कर रहा हूँ जो बैक कवर हमें गेयर वॉलेट कॉम से देखने को मिला और दोस्तों देख सकते हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन काफ़ी हार्ड है बहुत हार्ड बहुत हार्ड काफ़ी हार्ड कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल जाता है इन दोनों की तो दोस्तों इसी बात पर लाइक like बनता लाल को काला बनता